विशाखा, सबसे पहले आप अपने लाइफ के बारे में बताएं, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से? जी, मेरी पैदाइश अबू धाबी में हुई, वहीं पर स्कूलिंग भी हुई मेरी, और उसके बाद स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद, स्कूल के दौरान मैं जब, आवाज़ तो नहीं आ रही ना उसको? आप बोल दीजिए। ओके, सॉरी। जी, मेरी पैदाइश अबू धाबी में हुई, मेरी परवरिश भी वहीं पर हुई, स्कूलिंग काफ़ी हद तक वहाँ पर हुई। फिर मुझे याद है 2003 में जब मैं छुट्टियां मनाने बॉम्बे आई थी, तब पहली बार मुझे आशुतोष गोवारिकर के असिस्टेंट ने स्पॉट किया था हिल रोड पे, और उन्होंने मुझे बोला स्वदेश के लिए टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ख़ानदान में कोई भी नहीं था फिल्म इंडस्ट्री से। थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन तब ये कॉन्फिडेंस था कि आशुतोष गोवारिकर हैं, बहुत ही क्लीन फिल्में बनाते हैं, फैमिली ओरिएंटेड फिल्म बनाते हैं, एंड ऑस्कर नॉमिनी डायरेक्टर हैं। तो ऑडिशन दे दिया, शॉर्टलिस्ट भी हुई, 4 महीने होल्ड पे थी, लेकिन फिर आशीष सर ने बोला कि तुम बहुत छोटी लगती हो शाहरुख खान के ऑपोजिट। तब शायद कहीं कीड़ा बैठ गया था कि चलो एक्टिंग कर सकते हैं, अगर आशुतोष गोवारिकर ने कुछ देखा है तो कुछ होगा। लेकिन पढ़ाई ख़त्म करनी थी, तो स्कूलिंग ख़त्म की, कॉलेज ख़त्म किया, एंड आई थिंक डेस्टिनी में था, एड्स काफ़ी सारे किए। फिर 2008 से 2010 तक तब था शौक फिल्में करने का, तो फिल्में की। फिर आशीष सर की खेले हम जान जी जान से भी की मैंने, जिसके लिए आई थिंक शायद पूरे कास्ट में से मैं ही इकलौती एक थी जिसका नॉमिनेशन हुआ था बेस्ट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस के लिए। और फिर 2011 से मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी थी, लेकिन आई थिंक वही कहते हैं डेस्टिनी है। फिर से घर बैठे बैठे फुकरे मिल गई, बजाते रहो मिल गई, अंकुर अरोरा मर्डर केस मिल गई, उसके बाद मैंने 5 साउथ फिल्म्स की हैं। पर अब ये है कि फिल्में करती हूँ, लेकिन फिल्मों के पीछे भागती नहीं हूँ, और फिल्मों को अपनी पूरी दुनिया नहीं बना लिया मैंने, मैं बाकी और भी काफ़ी कुछ काम करती हूँ। बेसिकली आप हैं कहाँ से? मैं हूँ जी, मेरी फैमिली यूपी की है, हम लोग यूपी से हैं, मेरा पूरा ख़ानदान अलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, आज़मगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, उस इलाके से, ईस्टर्न यूपी के हम लोग। मैं अनफॉर्चुनेटली कभी रही नहीं वहाँ पर, सिर्फ समर वेकेशन में आती थी, और अब तो यहाँ बॉम्बे में, लेकिन और अभी फ़िलहाल तो ख़ानदान आधा लंदन में बसा है और आधा यहाँ पर है। ईस्टर्न यूपी का एक कल्चर होता है, चाहे आप कितना भी आगे चले जाएं, तो क्योंकि मेरी बच्ची हीरोइन नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, थोड़ा दबाव होता है, प्रेशर होता है, तो कभी आपको इस तरह का फेस करने का नहीं? देखिए, मेरी फैमिली ट्रेडिशनल बहुत है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स नहीं है, और आई थिंक मैं बहुत लकी रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो हैं मुझे अपनी जागीर नहीं समझते हैं। उनका हमेशा मानना है कि बच्चे को उड़ान भरने दो, जितना उड़ सके अच्छी बात है, गिरेगा तो हम हैं पकड़ने के लिए। तो मेरे पापा ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि देखो, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का नज़रिया होता है कि फिल्म इंडस्ट्री बड़ी ख़राब चीज़ है, यहाँ कास्टिंग काउच होता है, लोगों का एडवांटेज लिया जाता है। उन्होंने कहा ये तुम तय करोगे कि तुम्हारा कोई कितना एडवांटेज ले सकता है, एंड आई थिंक ये मैंने हमेशा अपने दिमाग में बात रखी है। जैसा कि कहा मैंने, मैं पिक्चरों के पीछे नहीं भागती हूँ, आ गया तो ठीक है, और कहते ना मन का मिला तो अच्छा, जो ना मिला तो और भी अच्छा, तो आई एम ऑलवेज इन्वाइट बाय दैट। और आई थिंक हर इंडस्ट्री में होता है, डर होता है कि यू नो कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का थोड़ा ज़्यादा सेंसेशनलाइज कर देते हैं, तो लकीली आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा दबाव नहीं डाला मुझ पर। अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण जी, आपको काम करने का कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, अभिषेक बहुत ही दिल के अच्छे इंसान हैं, हमारे साथ ऐश्वर्या भी आती थी, वो भी बहुत अच्छी हैं, दीपिका एक्सट्रीमली पंक्चुअल, आई थिंक आज जो उनको जितनी भी सक्सेस मिली है लाइफ में, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली उनका डेडिकेशन और उनकी इतनी पंक्चुअल और प्रोफेशनल है वो, एंड आई थिंक शी कम्प्लीटली डिजर्व्स इट। इतनी जल्दी आपको स्टारडस्ट के लिए नॉमिनेट कर दिया गया, कैसा लगा आपको समझ में?